ओके लेट्स बिगिन। सो यस्टरडे वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक, सो लेट्स गो अहेड। अदर रिटर्न मेजर्स भी मैंने आपको बता दिया था, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर एसेट क्लासेस दैट इन्वेस्टर्स कंसिडर इन इन फॉर्मिंग पोर्टफोलियोज। देखिए जनरली ये क्वेश्चन उतना कोई वो नहीं है, लाइक उतना ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं है जिसका आपको कोई नॉलेज ना हो। सो अब जनरली आप आजकल न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो दे जनरली से कि आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाना है, यानी लार्ज कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये बड़ी कंपनीज हैं, ये छोटी कंपनीज हैं, ठीक है। बड़ी कंपनीज में आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो रिटर्न्स कम मिलेगा, स्मॉल कैप में स्टेबिलिटी कम होगी तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, करेक्ट। एंड इसमें रिस्क ज्यादा है। हाउ मच इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, डिड आई से द स्टैंडर्ड डिविएशन इज मेजर ऑफ रिस्क? यस, सिंस स्टैंडर्ड डिविएशन इज मेजर ऑफ रिस्क एंड इट हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, द रिटर्न विल बी मोर। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, इसका रिटर्न कम रहेगा क्योंकि रिस्क कम है। और बॉन्ड्स में जाएंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन फर्दर और डिप करेगा तो रिटर्न भी और कम हो जाएगा। ट्रेजरी बॉन्ड तो और कम, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, इसका रिस्क तो और कम नहीं। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म में रिस्क आपको कम है। लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड में मेरे हिसाब से, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें तो रिस्क थोड़ा कम ही होगा। ये 8.4 होना चाहिए, ये 9.4 होना चाहिए, डोंट नो, कुछ मिस्टेक होगा। बिकॉज अगर 9.4 होगा तो ये जस्टिफाई करेगा, ये 8.4 होगा तो ये जस्टिफाई करेगा, बिकॉज लेस द रिस्क लेस द रिटर्न, करेक्ट। एंड आपका ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स तो सबसे सबसे कम रिस्की है, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज द लीस्ट, सो रिटर्न भी आपको सबसे कम मिलेगा। इन्फ्लेशन तो ठीक है, सिंस यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, यू वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन एज ए फैक्टर इन योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन डेफिनेटली आपके रिटर्न्स को क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। यानी आप उसके लिए इन्फ्लेशन के वजह से आप ज्यादा रिटर्न्स डिमांड करोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आपके लिए एक फैक्टर है। बिकॉज व्हेन वी डिड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, योर रिटर्न व्हाट यू शुड डिमांड फ्रॉम द कंपनी इज नथिंग बट रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन रिस्क को, अगर आप रिस्क फ्री रेट को और इन्फ्लेशन रिस्क को ऐड कर दोगे तो नॉमिनल रिटर्न्स हो जाएगा, नॉमिनल आरएफआर हो जाएगा, देन प्लस, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो नॉमिनल रिटर्न्स प्लस डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो डिफॉल्ट भी कर सकती है उस कंपनी के स्टॉक, अगर जल्दी नहीं बिकेंगे, इफ इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू सेल दैट, तो उसका लिक्विडिटी रिस्क, एंड सिंस यू आर परचेजिंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसका मैच्योरिटी रिस्क, क्योंकि आपका पैसा उतने टाइम तक किसी और के पास है, तो रिस्क इज इंक्रीजिंग। सो ऑल दिस कंबाइंड टूगेदर इज नथिंग बट द रिटर्न वॉट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी। अगर ये सब फैक्टर को लगा के अगर सपोज आरएफआर 4% लेते हैं एंड इन्फ्लेशन रिस्क को 1% लेते हैं, डिफॉल्ट रिस्क 2%, यहाँ पर 3%, मेच्योरिटी रिस्क 3%, तो टोटल कितना हुआ, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इज द रिटर्न वॉट यू शुड डिमांड फ्रॉम द कंपनी, और इफ कंपनी इज गिविंग यू 13% रिटर्न, यू आर हैप्पी विद दैट, ओके। तो ये मैंने आपको एक जनरलाइज पॉइंट बताया। एंड आपका पोर्टफोलियो कुछ भी बन सकता है। पोर्टफोलियो आपका कैसा हो सकता है, अगर आप डेट और इक्विटी का पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं तो रखो ना, 60% इक्विटी रख लो, अगर रिस्क ज्यादा लेना है 40% डेट ले लो, ठीक है। अगर आपको रिस्क कम लेना है 60% डेट पे चले जाओ, मतलब रिस्क कम लेना है, मतलब मैं आपको इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, बोरोअर के पर्सपेक्टिव से नहीं, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इक्विटी इज रिस्की, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ सम कंपनीज, लाइक शेयर, दैट मीन्स यू ओन सम शेयर्स इन अ कंपनी, सो यू आर अल्टीमेटली एट हायर रिस्क, करेक्ट। सारे रिस्क आपके ऊपर ही हैं, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए। डेट लाइक बॉन्ड्स खरीदते हैं आप,
डेट मतलब मैं बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, ओके चलो मैं ऐसा बोलता हूँ, आप अपना पोर्टफोलियो, मैं आपको बोलूँ, यू ऑलवेज ट्राई टू मेक योर पोर्टफोलियो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की एज वेल एज नॉन रिस्की एसेट्स, क्योंकि रिस्की तो आपको अगर रिटर्न दे दिया तो जैकपॉट, नॉन अगर अगर रिटर्न्स नहीं दिया, अगर रिटर्न्स नहीं दिया लॉस में आ गया तो भी नॉन रिस्की एसेट्स तो आपको रिटर्न्स देंगे ना बॉस, आपको रिटर्न्स तो आएगा कि नहीं आएगा, करेक्ट और रॉन्ग, एंड देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, यू शुड ऑलवेज सी, देन ओनली यू कैन एंजॉय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट चाहिए तो नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए एसेट्स के बीच में आपके पोर्टफोलियो में. Yesterday I said you already what is negative correlation, correct? यानी risky yes, assets अगर ऊपर जा रहे हैं तो non risky definitely ठीक है, ये तो आपको certain returns देंगे, इसके ऊपर तो कोई risk है ही नहीं आपको. But अगर आप एक stocks लेते हो, TCS अगर risky है तो definitely Infosys आपका definitely उसमें भी थोड़ा risk होगा, but इनका correlation negative होना चाहिए, TCS बड़ा तो Infosys कम होना, तभी आपको diversification का benefit मिलेगा. And yesterday I explained you all these things with complete facts. Okay. So results from for other markets around the world are similar. Asset classes with greatest average returns also have the highest standard deviations of returns. अच्छा. तो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी हो सकता है ये point वो इससे justify करना चाह रहे हैं कि treasury bonds में risk ज़्यादा है, actually में कम ही होता है, but ये बता रहे हैं ऐसा. तो return हाँ वो ये बोल रहे हैं कि कभी कभी कुछ कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टैंडर्ड जिनका जिनमें आपको जो एवरेज रिटर्न मिल रहा है वो हाईएस्ट मिलता है तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी हाईएस्ट होता है. इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ स्मॉल कैप वेयर द डिविएशन इज हाईएस्ट एंड द रिटर्न इज ऑल्सो हाईएस्ट. नाउ एनुअल नॉमिनल रिटर्न ऑन यूएस इक्विटीज has varied greatly from year to year, ranging from losses greater than 40% to gains of more than 50. yani pehle jyada losses hua karta tha logon ko, aajkal gain ho raha hai, yani us market acha ho raha hai. we can approximate the real returns over the period by subtracting inflation. did I say the same thing? nominal return minus inflation is real return. the asset class with least risk is t bills. ye maine aapko sab bata diya hai, theek hai na, to iska koi matter nahi hai. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको रहेगा कूटोसिस, स्क्यूनस. ओके, सो व्हाट इज कूटोसिस एंड व्हाट इज स्क्यूनस? कैन एनीवन टेल मी? हेलो सर, टेल पॉइंट्स के ऊपर ना सर ये? हाँ, टेल पॉइंट्स के ऊपर आता ना सर, टेल पॉइंट. हाँ, अगर आप स्क्यूनस बोलते हो, क्योंकि स्क्यूनस में क्या होता है, इट लाइक यू सी द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, यानी अगर आप ये स्क्यू ये सिमेट्री है, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, यानी ये 50% यहाँ पर 50% यहाँ पर, तो स्क्यूनस में क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा आपका, एक तरफा हो जाएगा. तो इसमें जब सिमेट्री बोलते हैं तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. स्क्यूनस में क्या होगा, since mean gets distorted because of extreme observations, तो mean यहाँ पर आ जाएगा, median यहाँ रहेगा, mode यहाँ रहेगा सबसे पहले. and you already know कि mean आप अगर आप किसी particular company में job, अगर आपको किसी college में package बात करना है, मतलब पूछना है कि आपका company college में package क्या दे रहे हैं, वो बोलेगा हमारे company हमारे जो college है उसमें package आया है 30 lakhs average. तो 30 lakhs कैसे बोलेगा वो? 5 lakhs किसी बंदे को मिला, 6 lakhs किसी और बंदे को मिला, 7 lakhs किसी को मिला, 8 lakhs मिला और एक बंदे को 1 crore rupees मिला. तो 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 100, करेक्ट और रॉन्ग? अब इसका मीन निकालो आप, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीन. 11 18 26 126 डिवाइड बाय 5 करके बताओ ना बॉस, कितना आ रहा है? 25.5 सर. हाँ, तो 25 lakhs का पैकेज बता रहा हूँ एवरेज में, यानी बिकॉज ऑफ दिस द मीन इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड ना. नहीं तो आपका अगर ये 100 एक करोड़ जिसको मिला है उसके वजह से आपका पैकेज ये आ रहा है. अगर मैं मीडियन में देखूं तो क्या होगा? मीडियन तो यही होगा ना, 7 lakhs, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर. मीडियन इज व्हाट? पोजिशनल एवरेज.
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, एन प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई टू क्या होगा थ्री, सो व्हाट इज योर मीडियन थ्री, तो एक्चुअली में उसका सैलरी सेवन लैक्स है, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। एवरेज पैकेज क्या है उस कॉलेज में? सेवन लैक्स, पर वो कितना बोल रहे हैं आपको? 25-30 लाख, वो किसका फायदा उठा रहे हैं? अर्थमेटिक मीन का फायदा उठा रहे हैं, करेक्ट? सो ऑलवेज हमारे लिए सबसे बेस्ट मेजर क्या है? मीडियन। मीडियन, इसीलिए आप स्क्यूनस में देखो, आप एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की वजह से टेल आपका एक्सट्रीमली पुल हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वन क्रोर द टेल इज गेटिंग टिल्टेड टुवर्ड्स दिस, ठीक है? अब पॉइंट नंबर टू, क्योंकि एक बार ये फाइनली ये भी बीच में आने वाला है आपको, तो एक बार बता दूं जल्दी जल्दी, ये आपका जो है नेगेटिवली स्क्यूड है, यानी आपका मीन यहां, मीडियन मोड। अब देखो आप इस कंपनी इस अब कॉलेज में पैकेज पूछे, तो वो बोला कि कॉलेज में पैकेज लाइक ऐसा करते हैं, 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 2 रुपीस, ये 2 रुपीस, ये पूरा पैकेज कहाँ चले जाएगा बॉस? कहाँ चले जाएगा? ये 2 रुपीस को गिनो ही मत ना यार, 8 प्लस 6 प्लस 5 11 11 प्लस 7 कितना 18 18 प्लस 8 26 26 बाई 5 करो कितना आ रहा है, उसको गिनो मत। अच्छा चलो 4 लगा लो, कितना आएगा? 6 लाख समथिंग, 6.5 सर। हाँ वही आएगा ना, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकंड। अच्छा एक काम करो, इसको बाय 5 करो तो सर 5 पॉइंट समथिंग आएगा सर, 5.2। हां
हेलो हाँ सो अगर आप यहाँ पर देख 26/5 कितना आ रहा है 5 लाख आ रहा है करेक्ट और रॉन्ग यस सर हाँ तो ये 2 रुपीज क्या कर रहा है ये पूरा का पूरा डेटा को नीचे लेके जा रहा है करेक्ट हेलो हेलो यस सर 5 लाख भी नहीं आएगा सॉरी क्यों बोले तो ये 5 लाख से 6 लाख से 7 लाख से 8 लाख से 2 रुपीज कहीं भी नहीं आता उसके आसपास आपका एवरेज पैकेज 1 लाख कुछ 1 लाख के नीचे चले जाएगा सो आपका मीन क्या हो गया 1 लाख के नीचे इसलिए जाएगा आप करके देखो मैं बताता हूँ शायद मुझे ऐसा लगता है 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7 6 लाख प्लस 7 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2 रुपीज डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई कितना है वो 5 हाँ तो 5.2 हो जाएगा आपका तो आपका देखो क्या हो गया 5.6 हो जाता है सर हाँ वही बहुत कम हो गया ना Yes, sir. तो आपका जो लाइक बिकॉज ऑफ सच लेस पैकेजेस आपका लेस पैकेज आपका मीन जो है वो इस तरफ नेगेटिवली स्क्यूड हो गया करेक्ट एंड कुर्टोसिस इज वेरी सिंपल कुर्टोसिस क्या होता है आपका डेटा मैक्सिमम टेल के पास रहता है यानी आपका आपका ये जो लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये फ्लैट हो जाता है ऐसा क्यों फ्लैट हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम डेटा जो आपको 8 बजे ऑफिस जाना है और आप 360 डेज में आपको 8 बजे ऑफिस जाना है रोज मैक्सिमम टाइम आप क्या कर रहे हो कभी 7:30 को ऑफिस पहुंच जा रहे हो कभी 8:30 को ऑफिस पहुंच रहे हो यानी आप इससे बहुत दूर हो यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पे चलो हम स्टैंडर्ड डिविएशन 15 मिनट्स का रखते हैं तो 8:15, 8:30, 7:45, 7:30 तो मैक्सिमम टाइम आप 7:30 को या 8:30 को आते हो इन अ ईयर ऑफ लाइक 360 डेज 300 डेज आप ऐसे ही करते हो तो आपका डेटा पूरा टेल पर रहेगा करेक्ट और रॉन्ग करेक्ट हेलो उसमें नहीं आएगा सर सो सिंस योर डेटा इज मोर कन्फाइंड टुवर्ड्स दिस टेल आपका ये जो इतना जो पीक्ड है ना ये जो ये फिगर ये ऐसा फ्लैट हो जाएगा क्योंकि ये जो टेल है उसको खींच के भारी कर देगा दैट मीन्स पूरा वेट टेल पे रहने की वजह से नीचे गिर जाएगा सो दैट इज कुर्टोसिस करेक्ट सो दैट शोज द आउटलायर्स द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस दैट मीन्स एक्सट्रीमिटी यू आर ऑलवेज इन टू द टेल ओके तो ये होता है ये तीनों पॉइंट्स कवर अप हो गए हमारे So all these are showing the variance, okay? Evaluating investments using expected return and variance of returns is a simplification because returns do not follow normal distribution. Agar normal distribution follow kare to exactly symmetry hota hai. Returns kabhi bhi normal distribution follow nahi karte kyunki extremities hamesha hoti hai, okay? That's what. सो नेगेटिव स्क्यू यानी आपका जो रिटर्न्स है वो आप जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे 10%, 20%, 30% अचानक से आपको -2 आ गया तो नेगेटिवली स्क्यू हो जाएगा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10%, 20%, 30% और 80% आ गया तो अचानक से आपका पॉजिटिवली स्क्यू हो जाएगा करेक्ट एंड ज्यादातर आपका रिटर्न्स अगर एक्सट्रीम लेवल पे चलता है टेल्स पे तो कुर्टोसिस नाउ वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न आपको पता होना चाहिए कि वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बोथ आर मेजर्स ऑफ रिस्क ओके लेकिन फिर आप मेरे को ये बताओ जब हमारे लिए दोनों भी रिस्क के मेजर्स हैं तो दोनों में से हम एक चीज यूज क्यों नहीं कर रहे हैं दोनों भी क्यों यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बोलो एनी क्लू अजय सर जितना मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस हाँ क्या बोले स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस सॉरी यस सर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू Excuse me.
वो दूसरा मैडम का कॉल आ रहा है, वो क्लास ले। हेलो, या यस सर। तो वेरिएंस जो आपका है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका रूट ऑफ वेरिएंस है, करेक्ट? यस सर, करेक्ट सर। तो एक्चुअली में होता क्या है, आपका जो फॉर्मूला अगर वेरिएंस आप फाइंड करो तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाय एन, एंड यू नो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज जीरो। अगर 10, 20, 30, 40, 50 अगर मेरे रिटर्न्स हैं, मीन 30 है, तो एक्स माइनस एक्स बार अगर मैं करूँ तो 10 माइनस 30 इज माइनस 20, 20 माइनस 30 इज माइनस 10, देन 0, देन 10, देन x बार इज 0 हो जाएगा। 0 आने के बाद आपको कभी भी आंसर नहीं मिलेगा इसका, करेक्ट? तो x बार इज नोन एज द मीन सर। यस, मीन, यस। सो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, भाई ये आप करके देख लो, बाय 5 कर लो। Wait, sir, one second. Divided by देखो 50 प्लस 40, 90, 90 30, प्लस 30, yes, sir. Correct, correct, sir. 30, उतना correct. ही आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ assumed mean लेके भी कर सकते ना। Yes, sir, assumed mean भी लेके कर सकते। तो आपको कभी भी answer नहीं आएगा। So standard deviation हम कैसे करें? So वो क्या करते हैं, हम लोग variance find करते हैं। Variance find करके standard deviation find कर सकते हैं। Yes, standard deviation directly find नहीं कर सकते क्योंकि हम इस negative को positive में convert कर लेंगे। So ये 400, ये 100, ये 0, ये 100, ये 400, कितना हो गया बॉस? 1000। हाँ, तो x माइनस x बार होल स्क्वायर सिग्मा, ये आपका हो गया सिग्मा x माइनस x बार द होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिवाइडेड बाय आपका कितने टर्म्स है, ये 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका वेरिएंस कितना आ गया? So, 200, yes, sir. और इसका जो भी रूट निकलेगा वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, करेक्ट? यस सर। 40 सिंस वी कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, वी फाइंड द वेरिएंस फर्स्ट एंड देन वी फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है ये तो समझ में आ गया मैथमेटिकली, बट हम वेरियंस को कहाँ यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन को कहाँ यूज करेंगे? अब जैसा ये एक स्क्वायर है, ठीक है, yes, sir. आपका स्टैंडर्ड डिविएशन किसी, आपका ये जो एक ये पर्टिकुलर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये है, और यहाँ पर एवरेज एरिया 10 है, 10 स्क्वायर मीटर्स, यहाँ पर एवरेज लेंथ 5 मीटर्स, ठीक है, और ये आपका हो गया 5 मीटर्स, ये आप स्क्वायर है, ठीक है ना? तो ये स्क्वायर में चारों साइड्स एक ही होते हैं, और ये स्क्वायर को स्क्वायर, अच्छा ठीक है ये समझ लो 25, तो ये स्क्वायर का एरिया क्या आएगा बॉस? Tell me. Square root of 5 into 5, sir. No, is 25. मैं आपको square का area पूछ रहा हूँ. Area is 25 square meters, correct? Yes, sir, 25. आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि standard, अगर हमको variance जो होता है वो root of standard deviation होता है. अगर area में variance आता है तो वो हम किसके terms में measure करेंगे? Square root में, sir. और अगर लेंथ में वेरिएंस आता है तो किसके टर्म में मेजर करेंगे? मीटर्स में। तो मीटर्स, मीटर्स अगर चाहिए तो स्क्वायर मीटर्स का स्क्वायर रूट करेंगे, तभी तो क्या आएगा? स्क्वायर मीटर, सर। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर मीटर्स इज व्हाट? मीटर्स, सर। मीटर्स। तो जब मीटर्स में वेरिएंस चेक करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मेजर लगेगा। जब एरिया का अगर आप लाइक वेरिएंस चेक करोगे, या अगर आप उसका कोई भी वोलेटिलिटी, यानी मैं वोलेटिलिटी नाम का वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आप एरिया में वोलेटिलिटी चेक करोगे तो वेरिएंस काम आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन काम नहीं आने वाला वहां पर। मतलब ठीक है ये आपका डिविएट होगा कुछ 2 स्क्वायर मीटर से, ठीक है ना, और यहां तो मतलब ये 23 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, बट हम वहां पर वेरिएंस नाम का चीज यूज करेंगे क्योंकि स्क्वायर मीटर्स इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ऑफ मीटर्स, करेक्ट? सो जहां स्क्वायर ऑफ मीटर्स आएगा, स्क्वायर मीटर्स आएगा वेरिएंस, बिकॉज वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। एंड अभी कभी भी एक बात याद रखो, अगर आप 5 मीटर से 7 मीटर अगर चेंज करते हो डायमेंशन, तो आपका एरिया भी तो चेंज होता है ना, होता है नहीं होता है बॉस? होता है सर।
तो जब यहाँ पर हम अगर लेंथ को चेंज कर दें या वेरी कर दें तो एरिया भी वेरी होता है, तो एरिया का जो वोलेटिलिटी है वो वेरियंस से निकालेंगे और लेंथ का वोलेटिलिटी जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन से निकाल सकते हैं। बस बस इतना ही फर्क है, दोनों भी मेजर ऑफ वोलेटिलिटी है, बस कहाँ यूज करना है वहाँ हमको देखना होगा। एंड आप टेंशन मतलब आपका जो सब्जेक्ट या करिकुलम है उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन ही ज्यादा आएगा आपको यूज में, वेरियंस यूज नहीं आएगा, बस फॉर्मुला वाइज याद रखो उसको, ओके। एंड पॉइंट नंबर टू इज ये आपका पॉपुलेशन वेरियंस है, क्या है ये पॉपुलेशन वेरियंस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग म्यू यूज कर रहे हैं, म्यू म्यू डिनोट्स पॉपुलेशन मीन। एंड यहाँ पर हम लोग जो आर बार यूज कर रहे हैं ये हमारा जो एस स्क्वायर है, दिस इज सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल वेरियंस, क्या है वो सैंपल। Why it is sample variance? Because here we are using R bar. R bar is generally used for mean of sample. Okay. And why this t minus 1? ये पूरा आपका population है. Population में अगर आप एक चीज बाहर निकाल देते हो तो ये क्या हो जाता है? Sample. Correct. ये पूरा का पूरा बड़े circle में छोटा circle निकालते हो तो क्या निकाल रहे हो? इसको क्या बोलेंगे? बोलो boss. क्या बोलेंगे इसको? सैंपल सैंपल से आउट ऑफ पूरे के पूरे जो बड़ा सर्कल है, ये पूरे के पूरे हैदराबाद के ड्रंकर्स का एक पॉपुलेशन है, उसमें से आप सैंपल निकाल लिए एक एरिया में कितने ड्रंकर्ड है 20, तो वो सैंपल हो गया। एंड दिस सैंपल इज वन अमंग्स द पॉपुलेशन, इसलिए हम टी माइनस वन लिखते हैं, टी को पॉपुलेशन बोलेंगे और टी में से वन माइनस निकाल देंगे, तो अगर यहाँ पर 100 लोग है उसमें से अगर हम एक सैंपल 20 का निकाल देते हैं, ये वन डिनोट्स वन सैंपल, ओके, तो कितने बचे 80। गॉट माय पॉइंट? हेलो, यस सर, दैट मींस वी आर जस्ट टेकिंग आउट वन सैंपल आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन, इसलिए माइनस वन कर रहे हैं, ओके, तो ये भी याद रखना आपको। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जो आता है वो कोवेरियंस का आता है, एंड ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया बिकॉज दोनों भी वोलेटिलिटी को मेजर करते हैं, इसलिए हमने वो समझ लिया। अब आपका कोवेरियंस, सी कोवेरियंस क्या होता है, देखो मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिखता हूं, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय 100 आई थिंक। स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन आई थिंक नो लेट्स गो हियर हेलो या सो व्हाट डस कोवेरियंस डू इट शोज द डायरेक्शन क्या दिखाता है कोवेरियंस डायरेक्शन डायरेक्शन का मतलब अगर आपके पास दो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है इंफोसिस टीसीएस, इंफोसिस अगर बढ़ रहा है तो टीसीएस क्या हो रहा डाउन हो रहा सर बढ़ रहा होगा फॉर एग्जांपल मे बी ओके सर तो ये दोनों भी बढ़ रहा ठीक है लाइक आपका अगर एक बढ़ता है एंड एक बढ़ता है तो इसका हम कोवेरियंस क्या बोलते हैं बॉस व्हाट इज दिस कोवेरियंस कॉल्ड पॉजिटिव कोवेरियंस क्या बोलेंगे इसको पॉजिटिव मतलब अच्छा ठीक है चलो ये एक सेकंड मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ आप कोवेरियंस फाइंड कर लिए और सपोज आपको कोवेरियंस आ गया 10 क्या आ गया 10 यानी आप ले लिए इंफोसिस आप ले लिए टीसीएस
ये दोनों स्टॉक्स आपने खरीद लिया और आपने इसका कोवेरियंस फाइंड किया. कोवेरियंस कैन बी फाउंड आउट विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. सपोज ये आंसर आपका आ गया 10, तो ये 10 आपको क्या बताता है? देयर इज अ पॉजिटिव, इफ माइनस 10 देन नेगेटिव. हाँ वो डेबिट कार्ड ले लो आप. अच्छा ठीक है, एक सेकेंड ना. So like the you have got 10, so there is a positive covariance. Now the next question what lies is ye positive covariance ka matlab kya hai, correct? So what, please understand, okay? So this positive covariance means the relationship between Infosys and TCS stocks is positive. So there is a positive relationship, and what does it mean then? That means if Infosys stocks will increase, TCS stock will also increase, correct? Correct, sir. If both are in positive. And one more thing you should understand. So positive ka matlab kya hai? That means agar ek badhega to dusra bhi badhega, correct or wrong? Yes, sir, अगर negative covariance है तो क्या होगा? Means one will increase, second अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा decrease होगा. Decrease होगा, correct? So this you should understand, correct? Now, अब हम क्या करते हैं? What we can do is हम लोग एक question करते हैं, okay? चलो. तो इसमें आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन आपको अभी करवा देता हूँ एंड यू शुड अंडरस्टैंड. अभी मैं कुछ उसमें आपको एक क्लैरिटी भी दूंगा और वो क्लैरिटी के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो हियर वी हैव आर वन मान. अच्छा, कोवेरियंस का फॉर्मूला है, मैं आपको सिंपल कर देता हूँ. एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई माइनस वाई बार होल डिवाइड बाई एन एंड दैट टू समेशन, ठीक है? तो पहले आपको हियर दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट मीन रिटर्न, वेरियंस, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन, एंड लेट अस वेट फॉर दिस कोरिलेशन, करेक्ट? नाउ ओके, बिफोर दैट वी शुड डू सम, वी शुड डिस्कस समथिंग. सो दिस कोवेरियंस शोज द मूवमेंट, इट शोज द डायरेक्शन एंड ऑल्सो द मूवमेंट.
यानी एक स्टॉक बढ़ेगा तो दूसरा स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एक स्टॉक बढ़ेगा तो दूसरा स्टॉक गिरेगा कि नहीं गिरेगा. ओके, सो हियर दैट्स वेरी क्लियरली गिवन. अ पॉजिटिव कोवेरियंस मींस दैट द वेरिएबल्स दैट इज द रिटर्न्स ऑन टू स्टॉक्स टेंड टू मूव टुगेदर. दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, यानी अगर पॉजिटिव कोवेरियंस आ गया तो दोनों ऊपर जाएंगे, अगर बढ़ेंगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, और गिरेंगे तो भी दोनों क्या होगा, एक साथ गिरेंगे. गॉट माय पॉइंट और नॉट? हेलो, यस सर, गॉट इट. व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव रिलेशनशिप? बढ़ेंगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, गिरेंगे तो दोनों एक साथ गिरेंगे. लेकिन अगर नेगेटिव कोवेरियंस आ गया, अगर ये माइनस 10 आ गया तो इंफोसिस अगर बढ़ेगा तो टीसीएस क्या होगा, गिरेगा. करेक्ट और रॉन्ग? हेलो, यस सर, इन दिस नेगेटिव कोवेरियंस और कोरिलेशन. सो नाउ मैं आपको और भी एक पॉइंट पूछने वाला हूं. सो पॉजिटिव कोवेरियंस मींस दैट द वेरिएबल्स दैट इज द रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन टू स्टॉक्स, यानी 10% का रिटर्न अगर इंफोसिस पे आता है, अगर कोवेरियंस अगर अपना 10 आ जाता है तो दोनों के रिटर्न्स, अगर इसके इंफोसिस के रिटर्न्स अगर बढ़ेंगे तो टीसीएस के रिटर्न्स भी बढ़ेंगे. ओके, अब कितने बढ़ेंगे, क्या इंटेंसिटी से बढ़ेंगे वो नहीं बता रहा है. देखो आप प्लीज दो चीज का ध्यान रखना. अगर ठीक है, चलो मैं काम करता हूं आपको. ये 10 है ना नंबर, दिस इज 10 ना एंड दिस इज माइनस 10. आपको आप कोवेरियंस कैलकुलेट किया, आपको वो कोवेरियंस आया 1 लाख, और इसका जो कोवेरियंस आया माइनस 1 लाख. व्हाट डज इट मीन, कैन यू टेल मी? कोवेरियंस माइनस 10 लाख माइनस 10, व्हाट डज इट मीन? देखो इसका भी कोवेरियंस 1 लाख आया, इसका भी, इसका कोवेरियंस माइनस 1 लाख आया, उसका मतलब क्या है बोलो ना. कितना भी बड़ा नंबर होने दो, अगर 1 लाख भी हो तो क्या, 10 भी हो तो क्या, 1 करोड़ भी हो तो क्या, इट ओनली शोज द मूवमेंट. यानी अगर इंफोसिस का स्टॉक बढ़ेगा तो टीसीएस का स्टॉक भी बढ़ेगा. कितने से बढ़ेगा, कितने परसेंट से बढ़ेगा, ये नहीं बोलता. व्हाट माय पॉइंट, यानी कोवेरियंस ओनली टेल्स अबाउट द मूवमेंट और डायरेक्शन. यानी बोलेगा कि वो अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, वो गिरेगा तो गिरेगा. ओके, so what it is not showing is, it is not showing how strong the relationship is between the stocks. Okay, so covariance just tells कि अगर आपको कोवेरियंस कोई दो स्टॉक्स का आप निकाल रहे हो, टीसीएस और इंफोसिस का, और वो कोवेरियंस आपको 10 आया, दैट मींस इंफोसिस बढ़ेगा तो टीसीएस भी बढ़ेगा. जस्ट इतना ही बता रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि अगर इंफोसिस 10% से बढ़ा, सॉरी या टीसीएस है ना, टीसीएस 10% से बढ़ा तो इंफोसिस कितने परसेंट से बढ़ेगा, ये सब नहीं बता रहा है. वो सिर्फ बता रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा बस. और अगर मेरे को माइनस 10 आया तो अगर इंफोसिस बढ़ेगा तो टीसीएस क्या होगा, गिरेगा. इतना ही मेरे को मालूम चलता है. सो व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज हाउ स्ट्रांग इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो हाउ विल आई गेट द आंसर फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप? आई हैव टू फाइंड कोरिलेशन. कोरिलेशन समझ में आया ऑल ऑफ यू? हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. All of you understood? Yes, sir. So now what we are going to do is we are going to find out that correlation. Okay?
सो आपको मैं यही बता रहा हूं कि कोवेरियंस विल टेल यू जस्ट द मूवमेंट, यानी ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, वो अगर पॉजिटिव कोवेरियंस आया, नेगेटिव कोवेरियंस आया तो एक बढ़ेगा तो दूसरा गिर रहा है, इतना ही मालूम होता है, ठीक है। बट अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कितने परसेंट से बढ़ रहा है वो नहीं मालूम चलता है, और एक बढ़ रहा है तो दूसरा कितने परसेंट से गिर रहा है वो मालूम नहीं चलता है, यानी दोनों का स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है ना। वो हमको मिलेगा कोरिलेशन से, और वो हम देखते हैं कैसे, प्लीज अंडरस्टैंड। चलो अभी देखो आप, फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे कोवेरियंस, ओके। चलो सो दिस इज स्टॉक वन, स्टॉक टू, ये स्टॉक वन के आपके पूरे रिटर्न्स हैं, स्टॉक टू के रिटर्न्स हैं। आपको पहले स्टॉक वन का मीन फाइंड करना है जो आपका 0.30 होगा, आपको स्टॉक टू के रिटर्न्स फाइंड करना है जो जीरो, आपको मीन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, एक सेकेंड, मीन फाइंड करना है। हाँ मीन फाइंड करो ना, ये पहले लाइक 0.10 प्लस 0 माइनस 0.15 जो भी आपको दिया हुआ है, इन सबको ऐड करके, व्हाट आर दे आस्किंग एक्चुअली, दे आर आस्किंग यू कैलकुलेट द मीन रिटर्न, सैंपल वेरियंस, सैंपल कोरिलेशन, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन, ओके। तो ये आपको पूरा सैंपल के हिसाब से करना है, किसके हिसाब से करना है बॉस, हेलो सैंपल, हाँ तो कैसे फाइंड करेंगे आप, एड अप ऑल ऑफ देम एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करो, 0.10, आपको इन सबको ऐड करने पे 30 आएगा, 0.30 सिग्मा आर वन, सिग्मा आर वन इज नथिंग बट द टोटल ऑफ ऑल दिस रिटर्न्स, ओके, सिग्मा आर वन इज 0.30 एंड आपको डिवाइड बाय क्या करना है, 6, तो कितना आ जाएगा आपको रिटर्न, लाइक मीन कितना आ जाएगा, यस हेलो, यस सर डूइंग सर, मिल गया, -30 नेक्स्ट आपका ये स्टॉक टू, स्टॉक टू का भी आपको क्या करना है, पूरों को ऐड करो, यू विल गेट 0.60 डिवाइड बाय 6, 0.10, दोनों के भी आपको मीन आ गए, मीन आने के बाद क्या करेंगे आप, इसको पूरों से माइनस करेंगे डिविएशन, फिर 0.10 आने के बाद इन सब से माइनस करेंगे डिविएशन, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां तक लेके आओ, जल्दी करो, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो ये, और इनको ऐड करके लेके आओ फास्ट, 0.5 करेक्ट, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, r1 r2 करेक्ट, r1 माइनस r2 r1, फिनिश कर दो जल्दी जल्दी, 5 by 10 करेक्ट, 1 2 3 4 6 प्लस 5 -20 -15 +20 -35 Done, sir. So you are getting this as your total of sigma, of sigma x minus x bar into y minus y bar by n. अभी n by n करना है अपने को. You got this? By n कर दो अभी इसको. यहाँ पर कर देंगे. Sample. So 0.255. We are doing for sample. 6 minus 1. What is your covariance? Please tell me. क्या है आपका कोवेरियंस प्लीज, 0.0051 0.0051 यानी इनका कोवेरियंस क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव कोवेरियंस का मतलब क्या है, मींस बोथ हैव स्टॉक वन बढ़े, स्टॉक वन के रिटर्न्स बढ़ेंगे तो स्टॉक टू के रिटर्न्स भी, मींस सेम डायरेक्शन सर,
सेम डायरेक्शन में जाएंगे, बढ़ेंगे, करेक्ट और रॉन्ग, सेम डायरेक्शन, गिरेंगे तो गिरेंगे. अगर स्टॉक वन स्टॉक टू इन दोनों का कोवेरियंस है 0.051, ये क्या बताता है कोवेरियंस? इट शोज द डायरेक्शन इन विच बोथ द स्टॉक्स विल मूव, एंड सिंस इट इज 0.051 इट शोज अ पॉजिटिव कोवेरियंस. दैट मीन्स इफ स्टॉक वन विल इंक्रीज स्टॉक टू विल ऑल्सो इंक्रीज, इफ इट डिक्रीजेस इट डिक्रीजेस, मतलब दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर. यस यस सर. हाँ ओके. अब आप क्या करो, साइमल्टेनियसली आप इसका वेरियंस भी फाइंड कर लो. वेरियंस वेरियंस कैसे करेंगे आप? स्क्वायर आर टी माइनस आर वन जो भी आपको आया, इनको पूरों को क्या करना है आपको? स्क्वायर करने सर. स्क्वायर करना है, क्योंकि वेरियंस का फॉर्मूला क्या है? आर टी माइनस आर वन बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. सो वो करके डिवाइड बाय एन करो एंड वेरियंस लेके आओ, फर्स्ट वाले का भी सेकंड वाले का भी. प्लीज ये पूरे वैल्यूज है, इनको स्क्वायर करना है आपको. ओके करके डिवाइड बाय एन माइनस वन करना है फॉर सैंपल. अगर आपको जीरो कोवेरियंस आता है मतलब नो रिलेशन, मतलब पॉजिटिव मूव लाइक ये अगर इंफोसिस ऊपर जाएगा तो टीसीएस पता नहीं कहां जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कोवेरियंस जीरो है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. ओके कैलकुलेट कर लिए क्या? प्लीज टेल मी सफवान कहां पर हो? यस सर. कर रहे कैलकुलेट वेरिएंस को? नहीं सर, थोड़ा मसला दिख रहा तो नहीं करा, देख तो. हाँ नहीं करा सर अभी. करो ना सफवान, क्या है इसको, आपको वेरिएंस को क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, पूरों को स्क्वायर करके डिवाइड बाय एन करना है बस. आप R1 माइनस आर टी माइनस R1 कर लिए ना, ये दोनों को माइनस करके लेके आ गए ना यहाँ पर. आर टी किसको बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट स्टॉक के रिटर्न को बोल रहे. आर R1 किसको बोल रहे? इसको बोल रहे. इसको बोल रहे करेक्ट. अरे नहीं नहीं सॉरी, ये आपका क्या है, आपका आर टी यानी फर्स्ट स्टॉक के पूरे रिटर्न. आर वन क्या है आपका? मीन है इसका, करेक्ट? हेलो करेक्ट सर. ये पूरे स्टॉक वन के आपके रिटर्न्स है ना, ये मीन है. आपको क्या करना है, मीन को सबसे माइनस करते जाना है, ये आएगा. फिर इसका जो मीन निकाले आप ये निकाले, इसको सबसे माइनस करना है, ये आएगा. ये हो गया, इसको बोलते हैं डिविएशन. ठीक है, मीन से कितना डिविएशन है, कितने आप मीन माइनस करें तो मालूम होता कितने दूर है आप. अगर मेरा मीन यहाँ पर 10 है और मेरा अगर यहाँ पर मेरा लाइक 12 है तो कितना दूर है मीन यहाँ से? 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस, करेक्ट? यस सर. तो आपको क्या करना है, मीन से डिविएशन यानी मीन से कितना दूर है आप देखना है. यानी ये जो भी वैल्यूज आए आपके, इन सारे वैल्यूज में से आपको जो भी मीन है इसका सबसे माइनस करते जाना है, और यहाँ पर भी मीन को सबसे माइनस करते जाना है. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है लास्ट कॉलम में. ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग?
क्योंकि ये इंफोसिस का लाइक एक्स माइनस एक्स बार क्या बता रहा है, इंफोसिस के डिविएशंस, वाई माइनस वाई बार क्या बता रहा है, टीसीएस के डिविएशंस, क्योंकि दोनों स्टॉक्स को हमारे को आपस में उनका मूवमेंट चेक करना है तो दोनों को मिला के देखना पड़ेगा ना, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। दोनों स्टॉक को जब साथ में देख रहे हैं तो दोनों को साथ में मिला के देखेंगे ना। हेलो, यस सर, यस सर। देखो इन दो, ये फॉर्मूले का मतलब भी समझना है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, दोनों को क्लब क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंफोसिस स्टॉक वन सपोज इंफोसिस, ये टीसीएस, ये दोनों, ये एसबीआई या एचडीएफसी या कोटक या एक्सिस कुछ भी ले लो, इन दोनों को क्लब कर इसीलिए क्लब कर रहे हैं क्योंकि दोनों का हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं कैसा है, यानी अगर ये बढ़ता है तो वो बढ़ता है क्या, ये बढ़ता है तो वो गिरता है क्या, ये गिरता है तो ये गिरता है क्या, ये तीन देख रहे हैं हम लोग, करेक्ट? तो हमको क्या आ गया आंसर, कोवेरियंस का आंसर क्या आया हमको, आया 0.051 पॉजिटिव कोवेरियंस, यानी अगर इन्फो स्टॉक वन बढ़ेगा तो स्टॉक टू भी बढ़ेगा, गिरेगा तो गिरेगा, दैट्स इट, करेक्ट? तो ये आपको सेकेंड वाले का भी वेरियंस आ गया ना ऑल ऑफ यू। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वेरियंस क्यों फाइंड करने है, वेरियंस क्यों फाइंड करते हैं बॉस, किसके लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। हेलो, हेलो सर। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर रूट करो एंड फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्क्वायर रूट करिए तो आ जाता है आंसर सर। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपको? 0.05 स्क्वायर रूट 0.22360679, ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गए, करेक्ट? करेक्ट सर। अच्छा देखो, अभी मैं आपको क्या बोल रहा था कि कोवेरियंस आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, यानी अगर इंफोसिस बढ़ा तो टीसीएस भी बढ़ेगा, लेकिन हमको कोवेरियंस ये नहीं बताता, अगर सपोज कोवेरियंस 10 है तो भी यही बोल रहा है कि इंफोसिस बढ़ेगा तो टीसीएस का स्टॉक का रिटर्न्स भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों का जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव नंबर ही हमको बताता है कि दोनों एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अगर हाँ डायरेक्शन एक ही हो तो नीचे भी हो सकता है, अगर इंफोसिस गिरेगा आप ऐसा मत सोचो कि माइनस होगा तो, नहीं माइनस होगा तो एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, ये तो आपको पता ही है, ये सब तो नेगेटिव हो जाएगा सर। हाँ, अगर मैं इस प्लस 10 को 1 लाख कर दूं तो भी क्या मुझे कुछ पता चल रहा है एक्स्ट्रा? मुझे तो यही पता चल रहा है कि 1 लाख हो चाहे 10 हो चाहे 1 करोड़ हो चाहे कोई भी नंबर हो, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इंफोसिस बढ़ेगा तो टीसीएस बढ़ेगा, करेक्ट? यस सर। क्या मुझे ये पता चलता है कि इंफोसिस अगर कुछ परसेंट से बढ़ा तो टीसीएस, मतलब इनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है वो थोड़ी पता चल रहा है, मुझे तो इतना पता चल रहा है कि ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा बस। देखो देखो, हेलो, यस सर। दो 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 मतलब रिलेशनशिप स्ट्रांग किसको बोलते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग किसको बोलते हैं बोलो, एक स्ट्रांग एक रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ किसको बोला जाता है? यहाँ पर एक लड़का है और ये दूसरा लड़का है, ये रो रहा है तो ये रोएगा क्या बॉस? नो सर। रोएगा? नहीं रोएगा। नो सर, बोले ये बच्चा है और ये उनके मदर है, ये रोएगा तो मदर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा बॉस? होगा सर, पूरा प्रॉब्लम होता है। आप कोई भी स्पीशीज में देख लो, चाहे ह्यूमन स्पीशीज है एनिमल स्पीशीज, अगर बच्चा रोएगा तो उनके मदर को पक्का प्रॉब्लम होगा, तो रिलेशनशिप स्ट्रांग है कि नहीं है वहां पर? यस सर। ये तो हम ये दोनों स्टॉक के बीच में भी रिलेशनशिप निकालेंगे अभी, और कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे और यहां पर आपका फाइनल कॉन्सेप्ट रहेगा, प्लीज ध्यान से सुनना। तो देखो कोरिलेशन जो है उसको हम बोलेंगे रो, क्या बोलेंगे? रो, दिस इज अ ग्रीक लेटर, व्हाट इज दैट? ग्रीक लेटर। ये कोरिलेशन क्या बोलता है, कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक 1 और 2 इज नथिंग बट इक्वल टू, प्लीज ध्यान से सुनो प्लीज, कोवेरियंस ऑफ
stock 1 and stock 2 divided by standard deviation of stock 1 into standard deviation of stock 2. तो ये अगर देखते हो तो नॉर्मल बच्चों के लिए ये फॉर्मूला याद करना वो याद कर लेंगे, लेकिन हमको यहाँ याद नहीं करना है. वी वॉन्ट टू चेक कि ये फॉर्मूला हमको बोल क्या रहा है बॉस. करेक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लीज ऑल ऑफ यू आर यू एक्टिव? यस सर. यस सी, मैं आपको क्या बोल रहा था अभी कि कोवेरियंस 10 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो कोवेरियंस आपका कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आएगा, लेकिन आपका आंसर तो सिर्फ एक ही है कि दोनों का मूवमेंट कैसा है. करेक्ट, दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं. अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, अगर पॉजिटिव है तो. अगर नेगेटिव नंबर आया तो एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा. पॉजिटिव का एक और मीनिंग है, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा. ओके, क्योंकि दोनों भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं. लेकिन ये कोवेरियंस क्या है, कोई भी बड़े बड़े नंबर ले सकता है. करेक्ट, ले सकता है ना? अरे बोलो बॉस. यस सर, वी कैन टेक, इट कैन बी, इट कैन टेक बिगर नंबर्स, इट कैन टेक स्मॉलर नंबर्स. लेकिन अगर आप कोरिलेशन देखो तो कोरिलेशन कभी भी कहां, कौन से नंबर्स के बीच में लाई करेगा? माइनस वन टू प्लस वन. करेक्ट, कभी भी आप कभी भी कोरिलेशन फाइंड करोगे ना, कभी भी, तो वो कोरिलेशन आपका जो लाई करेगा, वो कोरिलेशन जो होगा वो सिर्फ माइनस वन और प्लस वन के स्केल में रहेगा. तो हम क्या कर रहे हैं, ये कोवेरियंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? बोलो, मैंने क्या लिखा यहां पर, रीड करो. हेलो, नॉर्मलाइज ऑफ द सैंपल साइज. हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कोवेरियंस जो कोई भी नंबर ले सकता है, एक्सट्रीम नंबर ले सकता है, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं या स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं. स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इस कोवेरियंस को किससे डिवाइड करना होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन से सर. स्टैंडर्ड डिविएशन से, यानी हम क्या कर रहे हैं, चाहे कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, हम उसको इस स्केल में लेके आ रहे हैं, माइनस वन और प्लस वन के स्केल में लेके आ रहे हैं. करेक्ट और राम? यस सर. अरे बोलो बॉस. यस सर. उतना समझो बस. और नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि ये अगर आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है एंड ये आपका जीरो है, इसको हम मीन बोलते हैं. ठीक है, ये मैं आपको बना के जो बता रहा हूं, ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व, एक पर्टिकुलर कर्व. इस कभी भी याद रखो, कभी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व आप बनाते हो उसका मीन जीरो होता है. स्टैंडर्ड डिविएशन 1, स्टैंडर्ड डिविएशन 2, स्टैंडर्ड डिविएशन 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3. सो ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे है, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे है, ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे है, ये भी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे, 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे. और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस और माइनस, यानी राइट, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरा एवरेज रिटर्न 10 है और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, मतलब ये 12 भी हो सकता है मेरा रिटर्न और मेरा रिटर्न 8 भी हो सकता है. करेक्ट और रॉन्ग? हेलो. यस सर. यस सर. यस. तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो कोवेरियंस है ना, जो बड़े बड़े नंबर्स ले सकता है छोटे, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं. यानी बड़े बड़े डेटा को भी, बड़े से बड़े डेटा को भी हम कंप्रेस करके छोटा डेटा बना सकते हैं, और That means we can make that data in terms of standard normal distribution, या हम कोई भी बड़ा figure है उसको minus one या plus one के बीच में ला सकते हैं. और उसको लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, standard deviation से divide कर रहे हैं. बस इतना याद रखो. okay? Now point. अब आपका covariance कितना था बॉस यहाँ पर? 0.0510, इतना ही था कि नहीं था? बोलो. Yes sir, इतना ही था. आपके स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 0.702 या 0.7, एक ही बात होती है. करेक्ट और रॉन्ग?
ओके सर, करेक्ट और रॉन्ग। चलो मैं एक स्केल बना रहा हूं, ये है माइनस वन, ये है प्लस वन, ये है जीरो। आपका 0.70 कहां लाई करता है? जीरो प्लस वन के बीच में सर। ये 0.10 0.20 करते करते यहां पर 0.70 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। 0.70 के बाद 0.80 आता है, 0.90 आता है, उसके बाद 1 आ जाता है, करेक्ट 1.00। तो ये आपका कोरिलेशन जो है ये स्केल में आ गया, बिकॉज यू डिवाइडेड द कोवेरियंस विद स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कोवेरियंस को स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है और वो ये वैल्यू ले लेता है। कौन सा वैल्यू लेता है? इट विल टेक वैल्यू बिटवीन माइनस वन और प्लस वन, ठीक है। तो अभी हमारा वैल्यू क्या आया? एंड व्हाट डज दिस 0.70 मीन? इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक वन एंड स्टॉक टू। बट हाउ? अगर स्टॉक वन बढ़ेगा तो 70% चांस है कि स्टॉक टू भी बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, फिनिश। समझ में आया? हाई अभी तक जब तक आप कोवेरियंस फाइंड किए थे सिर्फ आप डायरेक्शन ही देख पा रहे थे कि दोनों भी ऊपर ही जाएंगे, लेकिन अगर स्टॉक वन बढ़ेगा तो इनका मतलब इसमें अगर कोई चेंज आता है तो इसमें कितने परसेंट से चेंज आता है वो देख पा रहे थे क्या आप? नहीं सर। अभी आपको कोरिलेशन आते हैं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो 70% के केस में? अभी आपको कोरिलेशन क्या आया? 0.7। तो इसका मतलब क्या है? अगर स्टॉक वन बढ़ेगा तो 70% चांस है कि स्टॉक टू भी बढ़ेगा, करेक्ट? करेक्ट सर। अब ऐसा मत बोलना सर ये 10% से बढ़ेगा तो ये 7% से बढ़ेगा, नहीं, नहीं वो सब अगर आपको जानना है कि ये अगर 10% से बढ़ रहा है तो ये कितने परसेंट से बढ़ेगा, उसके लिए आपको रिग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिग्रेशन एनालिसिस। अभी वो आप लेवल टू में रहेगा, आपको यू डोंट हैव रिग्रेशन राइट नाउ। दैट मीन्स इफ स्टॉक वन इज इंक्रीजिंग बाई 10%, बाई हाउ मच परसेंट स्टॉक टू इज इंक्रीजिंग? आपको वो एग्जैक्ट परसेंटेज ही फाइंड करना है तो यू हैव टू गो फॉर रिग्रेशन। बट हमको वो सब नहीं करना, हमको क्या करना है? अगर ये बढ़ेगा ना तो कितना परसेंट चांस है कि ये बढ़ेगा वो देखना है। ये कितना परसेंटेज बढ़ के निकलेगा वो नहीं देखना है, यानी इसका रिजल्टेंट फिगर कितना परसेंट आएगा वो नहीं मालूम हमको। हम सिर्फ इन दोनों का स्ट्रेंथ देख रहे हैं रिलेशनशिप का, यानी इसको अगर इसको भूख लगे तो इसको कितना परसेंट चांस है भूख लगने की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये अगर बढ़ता है तो ये कितना परसेंट चांस से बढ़ेगा, कितने परसेंट से बढ़ेगा नहीं मालूम करना है, कितना चांस से बढ़ने का वो देखना है। अच्छा अगर ठीक है मैं ये बोलूं, इन दोनों का कोरिलेशन अगर वन है तो क्या होगा उसका रीजन, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अगर ये भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो स्टॉक टू 100% चांस है कि स्टॉक टू आपका बढ़ेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, हेलो। यस सर, इट विल। अगर इनका कोरिलेशन अगर 0.20 है, मतलब अगर स्टॉक वन बढ़ेगा तो 20% चांस है कि स्टॉक टू भी बढ़ेगा। अगर इनका कोरिलेशन अगर माइनस वन है तो अगर स्टॉक टू बढ़ेगा तो स्टॉक वन बढ़ेगा तो स्टॉक टू 100% चांस है कि गिरेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सो दिस इज व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन टुडे, एंड यहाँ तक आप लोग फिनिश करो, देन टुमारो। अब यहाँ ये भी मैंने कल आपको बता दिया था, रिस्क एवर्स, रिस्क सीकिंग, तो इसका भी आप रीडिंग कर लो, एंड टुमारो वी कैन गो फ्रॉम LOS 41। टुमारो इज द फाइनल क्लास, क्योंकि ये यहाँ तक थोड़ा बेसिक जरूरी था आपको समझना। गो थ्रू द वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ब्रिंग टू माई नोटिस, because tomorrow will be the final session, okay? Almost ending पे आ गए हम लोग, okay? Bye bye. Thank you, sir. Thank you.